अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समझना। असीम वकार मेरे साथ है। असीम वकार, बीजेपी खींच रही है मुद्दे को, लेकिन मुर्तजा कह रहा है क्योंकि सीए पर मुझे गुस्सा था, क्योंकि हिजाब पे मुझे गुस्सा था, इसलिए मैंने ऐसा करा। देखिए बहुत बढ़िया अमीश देवगन जी, आपका तो जवाब ही नहीं। एक अकेले आदमी ने गड़ाफा पकड़ के गोरखपुर में मंदिर पे हमला किया, उसको जेल जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। मैं आपके साथ। लेकिन अभी इस हमले से दो दिन पहले, तीन दिन पहले गाजीपुर में बहुत से गैर मुसलमानों ने एक मस्जिद पे अटैक किया, उसमें घुस गए, मस्जिद में पेशाब किए खड़े होकर, इमाम साहब को मारा, मस्जिद में सामान तोड़ा फोड़ा। ये आपके हिसाब से क्या ये प्यार मोहब्बत है? गाड़ी गाड़ी क्या है ये अमीश देवगन जी? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये विक्षिप्तता नहीं है मानसिक? संबित पात्रा बोल रहे थे कि इंजीनियर विक्षिप्त था। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं सर, इंजीनियर विक्षिप्त। गगनजीम दिया एक्सेप्ट तो बड़ा था मुर्तजा का। और वो जो यती नरसिम्हानंद है सर, यती नरसिम्हानंद जो है आतंकवादी यती नरसिम्हानंद, वो भी इंजीनियर है, कई साल रूस में रहा, नौकरी करता रहा और आके लोगों को कह रहा है हथियार उठाओ और मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दो, कत्ल कर दो सबको। व्हाट इज दैट? वो विक्षिप्त नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं कि कार्रवाई कीजिए मुर्तजा पे। अगर आप में हिम्मत है और आप इंसान हैं और आप ईमानदार हैं और आप में थोड़ी सी भी अगर सभ्यता बची है, भारतीयता बची है, तो मेरे साथ बोलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद पे हमला किया वो भी विक्षिप्त हैं, आतंकवादी हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। जो यती नरसिम्हानंद है, जो एक धर्म विषय के खिलाफ कतलेआम का ठीक है, समित समित जवाब देंगे, समित जवाब देंगे, वो भी विक्षिप्त है। आप क्यों जवाब नहीं देंगे? नहीं, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? आप हकलाने लगे, आप जवाब क्यों नहीं देंगे? वह क्या सीन है? क्यों करेंगे आप? कुरान वाणी के साथ बीजेपी थी, कुरान वाणी को शहीद, ठीक है, जवाब सुनो ना बीजेपी का। मैं नहीं कह रहा, एक अकेला आदमी बार बार आप चार बार यहाँ पे रिपीट करा, एक अकेला आदमी मंदिर पे हमला करने के लिए चला गया, एक अकेला कसाब भी था जिसने 100 लोगों को मारा था, हिंदू मुसलमान दोनों को मारा था। बोली क्या कहीं कहिएगा? रुक, तेरे को बताते, शर्म है इस बात। घबरा रहे? अरे आप घबरा क्यों रहे? घबरा तो कौन रहा है, पता लग रहा है। मस्जिद जिन्होंने हमला किया वो कौन थे? ओके ओके, समझ पा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूँ, विक्षिप्त है कि नहीं थे? ये तो विक्षिप्त है, ये इस पे कार्रवाई कीजिए, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कीजिए। ठीक है, आप अमीश देवगन जी, कम से कम आप तो पत्रकार हैं, आप तो ईमानदारी से बोलिए। संबित पात्रा मेहमान आदमी, उनसे उम्मीद नहीं मुझे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।